हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नेब्रियो लेकर आप लोग के लिए आज हम बात करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो उन लोग नर्सिंग करने के बाद एक बात सोचता है दोस्तों, जो क्या करेगा नर्सिंग होने के बाद, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल सकता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको छोटा सा जानकारी देगा। ठीक है, सो दोस्तों देखिए, पहले जो बात है, जो नर्सिंग करने के बाद पहले हम तो बहुत सारा कैंडिडेट अवॉइड करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा सैलरी रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जो कि पहले जो हम कुछ भी पता भी नहीं सकते था, उसके वजह से जो कि बात कर रहा है अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आर्मी का, उसके बाद नेवी का जो भी आता है दोस्तों, हर साल में एक एक रिक्रूटमेंट रहता है। पहले तो हम बात करेगा, देखिए आर्मी का आर्मी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट होता है, नेवी का होता है, इस साल भी दोस्तों नेवी का भी रिक्रूटमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है जो कि इंडियन आर्मी का होता है, उसके बाद बीएसएफ का स्टाफ नर्स रहता है। हर एक साल में दोस्तों देखा जाएगा तो अपडेट रहता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्मी का जो इंडियन फोर्स के लिए जो कि स्टाफ नर्स रहता है, उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारा कैंडिडेट कमेंट में जानकारी रहता है। सो कैसे मिल सकता है इस जॉब को, हम अच्छे से इसको वीडियो में आप लोग को पूरा जानकारी देगा। ठीक है, सो दोस्तों देखिए, सो पहले जो बात है, नर्सिंग करने के बाद आप लोग को जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप लोग जॉब गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, सो पहले जो बात में जो पहले अच्छे से जॉब मिल जाता था, कोई तकलीफ नहीं था, अभी जो सिचुएशन ऐसा हो गया, बहुत रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, जैसे कि सीआरपीएफ का एग्ज़ाम, उसके बाद बीएसएफ का एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ नर्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा रिक्रूटमेंट रहता है हर भी। फिर भी दोस्तों देखा जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते हैं हर साल एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे वैकेंसी के लिए, ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं रहता है हर इंडिया में, ऑल इंडिया बेसिस में कम वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट हो जाता है। ठीक है, सो फिर भी आप लोग कोशिश करिए, देखिए इस साल भी दोस्तों 2023-22 में सीआरपीएफ आया था लास्ट ईयर, सो इस बार जो आने वाला जो मंथ है, ईयर है, उसमें बहुत सारा वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेगा इसमें, बीएसएफ का रहेगा, सीआरपीएफ का रहेगा, नेवी का रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा तो सेंट्रल फोर्स इंडियन आर्मी का रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा वैकेंसी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर अपडेट में देगा, जो कि इंडियन फोर्स में भी बहुत अच्छा अच्छा एयरफोर्स कर लिए लेकर जाता है, उसके बाद हर एक केमिकल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग के लिए रिक्रूटमेंट रहता है। ठीक है, सो जो लोग हर एक पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए आना चाहता है, उन लोग के लिए बहुत डिफरेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों जो जो लोग पास हो जाता है उन लोग को तो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करना पड़ता है एक साल, छः मंथ, उसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन कुछ भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस दूसरे जगह में काम करने का बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, सो मेरा जो कैंडिडेट है, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछता है जो सर कैसे आप लोग को जॉब मिला, उसके बाद आप लोग को जो सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाला कब आएगा, आरआरबी का एग्जाम कब होगा, उसके बारे में हम बात करता है। सो आरआरबी का जल्दी रिक्रूटमेंट होने वाला है, पहले ईएसए का जल्दी अपडेट होगा, उसके बाद आरआरबी का होगा। ठीक है, सो अभी हम इस टॉपिक का जो टॉपिक है इसमें हम बात करेगा, आरआरबी तो पहले तो छोड़िए, आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सो उसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत इंटरव्यू रहता है, उसके बाद देखिए बहुत साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ उसके वजह से, कोविड के वजह से। ठीक है, सो हमारा जो मर्जी है, जो हमारा जो नॉलेज है उसके अनुसार में देखा जाए तो इस साल और जो आने वाला साल है, जो आने वाला साल है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी होएगा। ठीक है, सो आप लोग ध्यान में रखिए, उसके जो प्रिपरेशन है वो भी करना, तैयारी कर दीजिए, जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उन लोग भी ध्यान लेके आप लोग स्टार्टेड कर दीजिए। ठीक है, सो उसमें आप लोग देखा जाएगा तो हर एक पैरामेडिकल का सपना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करने का। ठीक है, सो पहले जो हम जो मिशन रहता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले जो कि आर्मी, उसके बाद सीएसएफ, बीएसएफ, नेवी, बहुत सारे रिक्रूटमेंट रहता है ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग का, आप लोग हर जगह में मिल जाएगा एक अच्छा सा है। ठीक है, सो हमारा जो मर्जी, आप लोग का कुछ भी कॉमेंट में ज़रूर बताइए, जो आप लोग का कौन सा पोस्ट अच्छा लगता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, नेवी, उसके बाद आर्मी, और जो भी है कंटेंट बोर्ड,
सैनिक उन लोग को जो भी काम करने का इच्छुक है मेरा कमेंट में जरूर बताइए। हम जरूर आप लोग को जो पोस्ट है उसके बेसिक्स में हम लोग को डेली डेली वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। सो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। हर एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा चैनल में। सो बहुत सारे वैकेंसी के लिए आप लोग तैयारी हो जाइए, बहुत दिन के बाद ये रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि पैरामेडिकल CRPF जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट होगा, इसमें CS जो इंस्पेक्टर रहता है सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट रहता है। सो आप लोग ध्यान में देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए रहता है तो बहुत अच्छा लेवल में, हाई क्वालिटी लेवल में रहता है, उसके लिए आप लोग तैयारी हो जाइए। जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी इसके रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसका प्रोसेस भी जारी कर रहा है। सो 2023-22 ख़त्म होने वाला है, 2023 के अंदर फर्स्ट फर्स्ट में इसके रिक्रूटमेंट बहुत सारा स्टाफ नर्स फाइनेंसिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, सो जितना भी कैंडिडेट बहुत ही शॉर्ट करे उन लोग के लिए एक अच्छा मौका है, जो लोग बहुत दिन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। सो ठीक है, सो कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, हम जरूर आप लोग को सहायता करेगा। हर एक फ्रेंड मेरे को कॉमेंट करते कब आएगा वैकेंसी, कब आएगा वैकेंसी सर, सो उसके लिए भी आप लोग तैयारी हो जाइए। सो हम जितना भी जानकारी मिलेगा, मेरा जो नॉलेज है, अदर्स का जो नॉलेज है, वो हम आप लोग को शेयर करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के, पूरा वीडियो देखने के लिए जो कैंडिडेट उन लोग को भी शेयर कीजिए इस नॉलेज के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं और स्पेशल वीडियो लेके।